अगली खबर नागपुर से है। अखिल विश्व सरयू पारिन ब्राह्मण महासभा द्वारा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह 24 अगस्त को आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम नारायण मिश्र इन्होंने संवाददाताओं को दी। वसंतराव देशपांडे सभागृह में शाम 5 बजे आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी करेंगे। समाज की कुछ विशिष्ट प्रभुतियों का विधिवत सम्मान भी इस समारोह में किया जाएगा। समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील श्री राम नारायण मिश्र इन्होंने की। मैं अखिल विश्व सरयू पारिन ब्राह्मण महासभा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण मिश्रा बोल रहा हूँ। सभी हमारे समाज के बंधु बांधवों से मेरा विनम्र आग्रह है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 24 अगस्त 2019 को शाम 5:30 बजे से वसंतराव देशपांडे हॉल सिविल लाइन में हमने हमारे समाज के मेघावी छात्रों का जो कक्षा 10वीं और 12वीं में गुणवत्ता प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए हैं उनका हम सत्कार समारोह का आयोजन किए हैं। ये सत्कार समारोह हमारा परंपरागत पिछले कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। इस कड़ी में इस वर्ष भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम भव्य पैमाने पर इसको मनाने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी वो उपस्थित रहेंगे। उनके साथ में राकेश कुमार शुक्ला जी जो वाणिज्य कर आयुक्त हैं आगरा के वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारे पुलिस आयुक्त जो नागपुर शहर के हैं डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय उनकी भी प्रमुखता से इस कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। इसके बाद विश्वजीत देशपांडे जो परशुराम सेवा संघ के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद उसमें पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी जो अधिष्ठाता हैं कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी के उनकी भी उपस्थिति मुख्य रूप से रहेगी। इसके बाद पंडित शंकर प्रसाद अग्निहोत्री जो एजुकेशन हब के मालिक कहे जाते हैं मतलब डारड़ा विद्यालय के भी चेयरमैन हैं और अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ एजुकेशन के भी वो चेयरमैन हैं उनकी उपस्थिति प्रमुख रूप से रहेगी। साथ ही साथ किशन शर्मा जी जो जाने माने मंच के शिल्पी हैं और बहुत सारे कविताओं का संग्रह जिनके नाम पर है और बहुत सुंदर वो रचनाकार भी हैं उनकी उपस्थिति भी मुख्य रूप से रहेगी। अभी हाल ही में खय्याम साहब की डेथ हुई उनकी प्रॉपर्टी के एक ट्रस्टी भी यही हैं किशन शर्मा जी, तो ऐसे लोगों की उपस्थिति में हम यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप क्या अपील करोगे? मैं चाहता हूं कि समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जैसा हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते आए हैं इस साल भी उसी हिसाब से उनका प्रतिसाद हमें मिले और कार्यक्रम अच्छा हो, सुदृढ़ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ उपस्थित रहें, बस यही मेरा विनम्र आग्रह है हमारे समाज से और समाज के लोग उपस्थित रहें, यही मेरी विनती है समाज से।